आप सब कैसे हो, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हो। ये रहा Asus का Zenfone Max Pro M1, बहुत ही चर्चित फोन है भाई। ये फोन मैं करीब करीब 6 से 7 घंटे से यूज कर रहा हूं और इसी दौरान मुझे बहुत अच्छा फीचर्स इस फोन के अंदर मुझे मिला है। मैंने सोचा कि ना आपके साथ Asus Zenfone Max Pro M1 का अच्छा फीचर्स शेयर किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा Asus Zenfone Max Pro M1 का कुछ टॉप बेस्ट फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। शायद ये हो सकता है ये फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आपका डे टू डे यूसेज और भी बेहतर हो जाए और बहुत इजी हो जाए Asus Zenfone Max Pro M1 को यूज करना। अगर आपके पास Asus Zenfone Max Pro M1 है या आप इसको खरीदना चाहते हो या लेने वाले हो, भाई ये वीडियो अंत तक देखते रहिए क्योंकि आपको शायद कुछ हद तक हेल्प हो जाएगा। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलून शुरू कर जाक Asus Zenfone Max Pro M1 एर साथे। Asus Zenfone Max Pro M1 पर जो आपको पहला फीचर्स मिलता है वो है मिरर कास्ट का, यानी आप आपकी डिवाइस का स्क्रीन को एंड कंटेंट्स को आप शेयर कर सकोगे आपके नियरेस्ट कोई भी स्मार्ट गैजेट से। आप देख सकते हो मेरे पास अभी एकदम सामने में एक टेलीविजन है, ये स्मार्ट टीवी है और यहाँ पे वायरलेस डिस्प्ले है। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको पहले फोन की सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एकदम नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद कनेक्टेड डिवाइसेस दिखाएगा। वहां पे आपको ब्लूटूथ और कास्ट का ऑप्शन मिलेगा, जरा टैप कीजिएगा इसको, उसके बाद आपको कास्ट करके एक ऑप्शन दिखाएगा, तो आपको कास्ट पर टैप करना होगा और यहाँ पे मैं टेलीविजन के वायरलेस डिस्प्ले भी टैप करता हूं। यहाँ पे एकदम ऊपर आपको कुछ डॉट मिल जाएगा, वहां पे इनेबल वायरलेस डिस्प्ले को टिक कर दीजिए। अब ये कनेक्टेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा टीवी स्मार्ट टीवी 89cc वायरलेस डिस्प्ले दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे टैप करूंगा और ये झट से कनेक्ट भी हो जाएगा। देखिए रेडी टू प्ले दिखा रहा है मेरे टेलीविजन पर, यानी ये कनेक्टेड हो गया है और देखिए मेरा जो स्क्रीन है फोन का वो टीवी पे दिखा रहा है। तो आप कोई भी एप्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब को भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। चलिए देखते हैं यूट्यूब यहाँ पे कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे एक वीडियो है, इसको मैं प्ले करता हूँ और देखिए कैसे काम करता है। भाई बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है और कोई भी जटरिंग आपको नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है और इस फीचर्स को आप भी एंजॉय कर सकते हो आपकी स्मार्ट टीवी के साथ इस फोन को। नेक्स्ट फीचर्स दिया गया है वो है ऑटोमेटिक नाइट डिस्प्ले। ये फीचर्स आपको और भी फोन में मिल जाएगा। ये ऑप्शन आपको रीडिंग मोड के जैसा ही दिखेगा। भाई अगर आप बहुत ही लेट नाइट काम करते हो तो ये फीचर्स बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये फीचर्स आपका जो स्क्रीन होता है इसको डिम कर देता है। और ये फीचर्स आपको सेटिंग्स में मिल जाएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डिस्प्ले में टैप करना होगा। देखिए यहां पर एक नाइट लाइट का ऑप्शन दिया गया है, इसको टैप कर दीजिए और यहां पे देखिए स्टेटस करके एक ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑफ करते हो तो ये व्हाइटिश कलर का स्क्रीन आपको दिखाएगा, अगर आप इसको ऑन करते हो तो एक रेडिश कलर का स्क्रीन हो जाएगा। आपके हिसाब से ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। देखिए ब्राइट हो गया और ये मैं लो कर रहा हूं, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स इस फोन में दिया गया है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। समय से इसको स्टार्ट करना चाहते हो यहां पे टाइम को पुट कर दो, आप जिस समय तक इसको यूज करना चाहते हो एम टाइम पे आप यहां पे टाइम एडजस्ट कर लो। तो ये भी बढ़िया फीचर्स इस फोन में दिया गया है और ये आपकी आंखों को बहुत अच्छे तरीके से केयर भी करेगा। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो है फॉन्ट साइज और डिस्प्ले साइज को आप आपके हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्प्ले का एक ऑप्शन है, वहां पे जाने के बाद आपको एडवांस पे क्लिक करना होगा। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज और डिस्प्ले साइज करके दो ऑप्शन मिलेगा। फॉन्ट साइज पे अगर आप टैप करते हो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट दिखाएगा आपको। आप टेक्स्ट को लार्ज करना चाहते हो तो जस्ट राइट साइड में इसको ड्रैग कर दो और अगर आप चाहते हो और भी लार्ज
तो राइट साइड में और एक बार ड्रैग कर दो। टेक्स्ट बहुत ही बड़ा हुआ है और ये एक्चुअली बुजुर्ग लोगों के लिए होता है, इसलिए मैं इसको डिफॉल्ट में ही रखता हूं। नेक्स्ट फीचर्स यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले साइज। डिस्प्ले साइज यानी आपका जो टेक्स्ट होता है, एसएमएस होता है, आपका जो एप्स आइकन होता है, आप इसको भी बड़ा या छोटा कर सकते हो। यहां पे आपको जो टेक्स्ट दिखा रहा है आप इसको भी बड़ा कर सकते हो। देखिए लार्ज कर दिया राइट साइड पे ड्रैग करके, ये बहुत ही बड़ा हो गया। अगर आप डिफॉल्ट करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में ड्रैग कर दो। इसके बाद देखिए यहां पे डिस्प्ले साइज, ये भी आप आपके हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर मैं राइट साइड में कर दूं ड्रैग तो ये बड़ा हो गया, अगर मैं लेफ्ट साइड में कर दूं ड्रैग तो ये स्मॉल हो गया। ये भी आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं यहां पे डिफॉल्ट कर देता हूं। इसके बाद आपको मिल जाएगा सेटिंग्स पे जो जो ऑप्शन होता है वो भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। इसके लिए आपको फिर से राइट साइड पे ड्रैग करना होगा। देखिए बहुत ही बड़ा हो गया है और आप इसको छोटा भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड में ड्रैग करके छोड़ दीजिए, ये स्मॉल भी हो जाएगा। तो ये भी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है और ये बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो नेक्स्ट फीचर्स दिया गया है यहाँ पे वो है जेन मोशन। अगर आप इससे पहले Asus के कोई भी फोन यूज किए हो तो आपको वहां पे जेन मोशन मिलता है। इस फोन में भी आपको जेन मोशन मिलता है। ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड UI के साथ चलता है, फिर भी आपको यहाँ पे जेन मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में जाने के बाद यहां पे देखिए जेस्चर का एक ऑप्शन दिया गया है, आप इसको टैप कीजिए। देखिए जेन मोशन का एक ऑप्शन है, उसको टैप कर दीजिए। यहां पे डबल टैप टू टर्न ऑफ द स्क्रीन, डबल टैप टू वेक अप द स्क्रीन। आप ये जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर दीजिए और इनेबल करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से काम भी करता है। चलिए देखते हैं। देखिए मेरा स्क्रीन ऑफ है, आप इसको ऑन भी कर सकते हो डबल टैप करके, और आपका स्क्रीन अगर ऑन है आप ऑफ भी कर सकते हो डबल टैप करके स्क्रीन में। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है और ये फीचर्स मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। जो नेक्स्ट फीचर्स आपको जेन मोशन पे मिल जाएगा वो है जंप टू कैमरा या डबल टैप द पावर बटन। ये ऑप्शन भी आपको सेटिंग्स पे जाकर एकदम नीचे सिस्टम में जेस्चर्स पे मिल जाएगा। मोशन के ठीक नीचे जंप टू कैमरा दिया गया है, अगर आप इसको ऑन करते हो तो डबल टैप द पावर बटन कैमरा के हिसाब से काम करता है। देखिए अब मेरा स्क्रीन लॉक है, मैं डबल टैप कर रहा हूं पावर बटन को और कैमरा यहां पे ऑन हो गया है। तो फिर से करते हैं, डबल टैप करते हैं और ये फिर से ऑन हो गया है। तो आप पावर बटन को डबल टैप या डबल प्रेस करके कैमरा को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो है एप्स रन फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। आप एप्स को रन भी कर सकते हो लॉक स्क्रीन से, इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम में टैप करना होगा। सिस्टम में टैप करने के बाद जेस्चर्स में टैप करना होगा। देखिए जेन मोशन, जेन मोशन पे टैप कीजिए और देखिए यहां पे जेस्चर ऑन डार्क स्क्रीन। तो यहां पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। डब्ल्यू लॉन्च करेगा क्रोम को, एस करेगा सेटिंग्स को, ई करेगा क्लॉक को, सी करेगा कैमरा को, जेड करेगा फोटोज को, और आप आपकी हिसाब से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो डब्ल्यू फॉर क्लॉक या कॉन्टैक्ट्स या डॉक्स ड्राइव, जो भी आपके हिसाब से यहां पे कस्टमाइज कर सकते हो। फिलहाल इस डिवाइस में बाय डिफॉल्ट डब्ल्यू क्रोम के लिए है, एस फॉर सेटिंग्स के लिए है। चलिए एक बार देखते हैं कैसे ये काम करता है। देखिए मेरा स्क्रीन लॉक है, मैं यहाँ पे जेड जेस्चर देता हूं। देखिए मेरा फोटोज यहाँ पे ओपन हो गया है। सी जेस्चर यहाँ पे देता हूं मैं और ये कैमरा को ओपन कर देगा। देखिए कैमरा ओपन हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है और ये फीचर्स भी बहुत ही अच्छा है। आप लॉक स्क्रीन से कोई भी एप्स को बाय जेस्चर एक्सेस कर सकोगे। नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है लैंग्वेज। देखिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई मेरे डिवाइस पे सारी लैंग्वेज हो, तो इस डिवाइस पे भी आपको ऑल लैंग्वेजेस मिल जाएगा। इसको एक्सेस करने के लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में देखिए यहां पे आपको लैंग्वेजेस एंड इनपुट मिलेगा, इस पे टैप कीजिए और देखिए ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज पे है। अगर आप चाहते हो और भी कोई लैंग्वेज को ऐड करना, ऐड लैंग्वेज पे जाइए, यहां पे आपको सारा लैंग्वेज मिल जाएगा। नेपाली हो या मराठी, हिंदी हो या बांग्ला, और पंजाबी या तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज हो आप इस फोन में एक्सेस कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है गो टू पे। भाई आज का जमाना है डिजिटल इंडिया का, बहुत सारा एप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। कोई भी
पेमेंट को एक्सेस करने के लिए, पेमेंट को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए। पर आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्स इस फोन में इंस्टॉल नहीं करना होगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। तो ये आपको कहां पर मिल जाएगा? बाय सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहां पे आपको सिस्टम दिखाएगा। सिस्टम में जाइए। सिस्टम पे टैप करने के बाद एकदम नीचे गो टू पे का ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप यहां पे टैप करते हो तो देखिए यहां पे एक विंडो ओपन होता है। आप यहां पे मनी ऐड कर सकते हो, मनी को सेंड कर सकते हो किसी को भी, पेमेंट के लिए किसी को रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो, पासबुक भी यहां पर है। यहां पे मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन दिया गया है, डेटा कार्ड का ऑप्शन दिया गया है और D2H। तो आप इस ऐप से मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हो, डेटा कार्ड को रिचार्ज कर सकते हो और D2H को भी रिचार्ज कर सकते हो। तो ये फीचर्स भी बहुत ही अच्छा दिया गया है इनबिल्ट इस फोन में। अगर आप 3GB और 32GB का वेरिएंट यूज कर रहे हो, भाई हो सकता है बहुत जल्द आउट ऑफ स्टोरेज हो जाए। इस फोन में आप स्टोरेज को फ्री भी कर सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी एप्स आपको यूज नहीं करना होगा। इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद स्टोरेज को टैप कीजिए। स्टोरेज को टैप करने से ये यहां पे मुझे दिखा रहा है 36% यूज्ड। और यहां पे फ्री आप स्पेस करके एक ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप फ्री आप स्पेस को क्लिक करते हो तो आपका जो जंक फाइल्स होता है वो ऑटोमेटिक यहां से डिलीट हो जाएगा और आपका स्पेस कुछ हद तक फ्री भी हो जाएगा। एक सौ फीचर्स है वो है बैटरी से रिलेटेड। भाई बैटरी सेवर आपको इंस्टॉल करने का कोई भी जरूरत नहीं है। आप सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहां पे आपको बैटरी का ऑप्शन दिखाएगा। बैटरी में जाने के बाद यहां पे देखिए कितना परसेंटेज आपका बैटरी है, ये यहां पे दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो बैटरी सेवर को ऑन करना तो देखिए यहां पे पावर मैनेजमेंट के अंदर बैटरी सेवर है, इसको ऑन कर दीजिए। और ऑन करने के बाद देखिए ऊपर और नीचे पे आपको एक रेड कलर का बॉर्डर दिखाएगा। आप बैटरी परसेंटेज को देखना चाहते हो ऊपर में नोटिफिकेशन पर भी आप कर सकते हो। के लिए आपको बैटरी परसेंटेज को टैप करके एक्टिवेट करना होगा। देखिए यहाँ पे 80% दिखा रहा है। तो आप इस फोन में बैटरी परसेंटेज को भी देख सकते हो। बैटरी सेवर में आपको और भी कुछ नया ऑप्शन मिलता है। भाई आपका कौन कौन सा एप्स बहुत ज्यादा बैटरी को कंज्यूम कर रहा है, आप इसको भी ऑफ कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे गोटू पे 3% यूज कर रहा है मेरा बैटरी। अगर मैं चाहता हूं इसको डिसेबल करना तो इसके ऊपर टैप कीजिए और यहां पे डिसेबल कर दीजिए और ये ऐप डिसेबल हो गया, यानी ये बैकग्राउंड पे नहीं चलेगा और आपका बैटरी नहीं कंज्यूम होगा अननेसेसरीली। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो है गूगल असिस्टेंट। भाई ये तो नया नहीं है, हाँ मैं जानता हूं, पर ये स्टॉक एंड्रॉइड यूआई के साथ चलता है। तो आपको इस फोन में गूगल असिस्टेंट कैसे देखने को मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। गूगल असिस्टेंट को एक्सेस करने के लिए आपको होम बटन को प्रेस करना होगा। देखिए ये ओपन हो गया है। I'm your assistant here to help you throughout your day. कुछ क्वेश्चन इससे पूछते हैं। What's the weather today? Today in Baharampur, it's predicted to be 28 and clear. That's great. Who is Sachin Tendulkar? Here's a summary from Wikipedia. Sachin Ramesh Tendulkar is a former Indian international cricketer. That's very good. Who are you? I'm your Google assistant. Open camera. देखिए ये कैमरा को भी ओपन कर दिया है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर तो देता ही है, उसी के साथ ये कोई भी एप्स को ओपन भी कर देगा। नेक्स्ट फीचर्स जो है वो है स्प्लिट स्क्रीन। भाई हर एक फोन में स्प्लिट स्क्रीन होता है, पर आप इस फोन में आप कैसे एक्सेस इसको करोगे? अगर मैं ओवरव्यू बटन या मल्टीटास्किंग बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूं तो यहाँ पे बहुत सारा विंडो आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहते हो साइमल्टेनियसली एक ही समय दो एप्स को दो स्क्रीन पर यूज करना, आप इस ऑप्शन से कर पाओगे। इसलिए आपको कोई भी एक विंडो पर टैप करना होगा और ड्रैग करके ऊपर की तरफ छोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन आ गया है और जो दूसरा आप यूज करना चाहते हो उसके ऊपर आपको जस्ट टैप करना होगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे में FM रेडियो और ऊपर में YouTube, दोनों ही एप्स आप साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो। फीचर्स हैं वो है ऐप स्विच। अगर मैं मल्टीटास्किंग बटन या ओवरव्यू बटन को टैप करता हूं, देखिए बहुत सारा विंडो यहां पे ओपन हुआ है। भाई अगर आप चाहते हो कोई भी रिसेंट एप्स को एक्सेस करना या आपके प्रीवियस एप्स पे एक्सेस करना, वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको ओवरव्यू बटन को दो बार टैप करना है,
देखिए यहाँ पे FM रेडियो आ गया, फिर से दो बार टैप कीजिए, देखिए यूट्यूब आ गया, फिर से दो बार टैप कीजिए, प्रीवियस एप्स आ गया, फिर से टैप कीजिए, आपका यूट्यूब आ गया। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो है स्क्रीन पिन, यानी आप अगर चाहते हो कोई भी स्क्रीन को या कोई भी एप्स को पिन करना आप कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, तो सेटिंग्स पे आइए। सेटिंग्स के बाद आपको सिक्योरिटी एंड लोकेशन पर जाना होगा, एकदम नीचे आपको दिख जाएगा स्क्रीन पिनिंग, इसको टैप कीजिए और यहां पे देखिए ये ऑफ है, आपको टैप करके इसको ऑन करना होगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसके लिए आप जो भी एप्स को यहां पे पिन करना चाहते हो उसको टैप करके ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ओवरव्यू बटन या मल्टीटास्किंग बटन को एक बार टच करना होगा। उसके बाद जिस एप्स को आप पिन करना चाहते हो नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग कर दीजिए। यहां पे नीचे में आपको एक पिन का आइकन मिल जाएगा, भाई इसको टैप कर दीजिए, बस हो गया, आपका स्क्रीन यहां पे फिक्स हो गया, पिन हो गया है। डिसेबल करना चाहते हो तो बैक बटन और ओवरव्यू बटन या मल्टीटास्किंग बटन को एक साथ प्रेस कर दीजिए। देखिए ये यहां पे ऑफ हो गया है, आपका जो स्क्रीन पिन हो गया था वो यहां पे डिसेबल हो गया है। जो फीचर्स हैं वो है गूगल स्टोरेज। आप अगर इससे पहले एसास का कोई भी फोन यूज किए हो तो आपको इस फीचर्स के बारे में मालूम है। भाई यहां पे देखिए गूगल स्टोरेज करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी गूगल ड्राइव। इसकी मदद से आपको 100 GB का स्पेस मिल जाएगा और इसकी मदद से आप कोई भी फोटोज या वीडियोस को स्टोर कर सकते हो ऑनलाइन। तो यहां पे टैप कीजिए और देखिए यहां पे मेरा जो वीडियोस हैं, जो मेरा फोटोज हैं, यहां पे स्टोर हो गया है। इसके लिए आपको जस्ट अपने मेल आईडी से इसको लॉगिन करना होगा और आपको 100 GB का फ्री स्टोरेज भी मिल जाएगा। ये फोन आ रहा है स्टॉक एंड्रॉइड UI के साथ, यानी आपका फोन रिस्क फ्री है और कोई भी हार्मफुल जंक फाइल्स यहां पे नहीं आएगा। आएगा तो ये फोन आपको झट से नोटिफाई भी कर देगा। इसको एक्सेस करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद सिक्योरिटी एंड लोकेशन पर आपको टैप करना होगा। देखिए यहां पे गूगल प्ले प्रोटेक्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इसको टैप कीजिए और यहां पे देखिए गूगल प्ले प्रोटेक्ट रेगुलरली चेक्स योर एप्स एंड डिवाइस फॉर हार्मफुल बिहेवियर, यानी आपके फोन में कोई हार्मफुल अगर एप्स होगा तो आपको नोटिफाई कर देगा। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो है 3D टच। भाई अगर आप एप्पल आईफोन यूज किए हो तो आपको तो मालूम ही है कि भाई वहां पे 3D टच मिलता है। इस फोन में भी आपको 3D टच मिलता है। जो 3D टच है ये सभी एप्स को सपोर्ट अभी के लिए नहीं करता है, पर जो भी एप्स को सपोर्ट करता है आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि जीमेल सपोर्टेड एप्स पर अगर आप टैप करते हो तो देखिए वहां पे आपको एक 3D टच का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कॉम्पोज का ऑप्शन दिखा रहा है और अगर मैं यूट्यूब को टैप करता हूं देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन और सर्च। अगर मैं ट्रेंडिंग पे क्लिक करता हूं तो मेरे यूट्यूब का ट्रेंडिंग पेज यहाँ पे ओपन गया है। तो इस तरह से आप इसको यूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है नोटिफिकेशन के बारे में। भाई आपकी नोटिफिकेशन को आप लॉक स्क्रीन पे हाइड भी कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद एप्स एंड नोटिफिकेशन पे टैप करना होगा। देखिए आपको नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां पे अगर आप टैप करते हो नोटिफिकेशन फॉर ऑल एप्स, अगर आप चाहते हो कि हर एक एप्स का नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए तो आप यहां से इसको डिसेबल भी कर सकते हो। जैसे कि कैलकुलेटर, आप यहां से इसको ऑफ भी कर सकते हो। कोई भी एप्स को आप ऑफ भी कर सकते हो इस फीचर से। ऑन द लॉक स्क्रीन सो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट, भाई अगर आपको नहीं चाहिए लॉक स्क्रीन में ऑल नोटिफिकेशन की डिटेल्स तो आप यहां पे इसको इस्तेमाल करके ऑफ भी कर सकते हो। सो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट, हाइड सेंसिटिव नोटिफिकेशन कंटेंट, डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल। अगर आपको नहीं चाहिए लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन डिटेल्स तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर्स है वो भी नोटिफिकेशन से ही रिलेटेड है। आप नोटिफिकेशन पैनल में एडिट भी कर सकते हो। इसके लिए आपको ड्रैग करके ऊपर से नीचे छोड़ना होगा। देखिए यहां पे बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। भाई अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप रद्द बदल करना चाहते हो, ये भी आप कर सकते हो। देखिए यहां पे एक पेंसिल दिया गया है, इसके ऊपर टैप कीजिए। देखिए यहां पे नाइट लाइट दिया गया है, डेटा सेवर दिया गया है। अगर आप चाहते हो भाई नाइट लाइट की जगह मैं कास्ट स्क्रीन को यूज करूंगा तो टैप कीजिए और ड्रैग करके ऊपर की तरफ छोड़ दीजिए। देखिए यहां पे कास्ट स्क्रीन आ गया है। अगर आप चाहते हो कास्ट स्क्रीन की जगह एयरप्लेन मोड को ले आना
भाई आप ये भी कर सकते हो, ड्रैग करके नीचे की तरफ छोड़ दीजिए, देखिए ये हो गया। तो आप आपकी हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो अलाउ होम स्क्रीन, अगर आप चाहते हो आपके होम स्क्रीन को रोटेट करना वो भी आप कर सकते हो, यानी लैंडस्केप में यूज करना। इसके लिए आपको स्क्रीन को टैप करना होगा। देखिए यहाँ पे होम सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखाएगा, इसमें टैप कीजिए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एकदम नीचे अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, इसको टैप कर दीजिए और देखिए आपका जो डिस्प्ले या स्क्रीन है वो रोटेट हो गया है और अब आप इसको लैंडस्केप में भी यूज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम भी करता है इस फोन में। जो फीचर्स हैं वो है डॉट्स, यानी नोटिफिकेशन डॉट्स। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मैसेज से रिलेटेड, मेल से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड और कॉल से रिलेटेड, आपको यहां पे एक डॉट्स दिखाएगा। अगर आप इस डॉट्स का यूज करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे टैप करना होगा या लॉन्ग प्रेस करना होगा। देखिए यहां पे होम सेटिंग्स आपको दिखाएगा, चलिए यहां पे टैप कीजिए और नोटिफिकेशन डॉट्स का एक ऑप्शन दिखाएगा, आप इसको ऑफ या ऑन भी कर सकते हो। अगर आप इसको ऑन करते हो तो अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत यहां पे एक डॉट दिखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हैं तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। भाई अच्छा लगे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। भाई आपको Asus ZenFone Max Pro से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं, आप झट से मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे और मैं झट से आपको उत्तर भी दूंगा। भाई आजकल मतलब एटुकुनी, आबार देखा भाई अपने साथ নতুন এক্সাইটিং ভিডিওজের সাথে। ততক্ষণ জন্য আপনারা খুব ভালো থাকেন, খুব ভালো রেখেন, সবাইকে ধন্যবাদ।